पत्र में क्या लिखा है यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा पत्र में क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है वो वॉर के रिलेटेड है। तो ये इन बिटवीन वॉर एक सीक्वेंस आया है। वॉर खैर अब तक शुरू नहीं हुई है, जस्ट जस्ट द प्रिपरेशन ऑफ द वॉर। तो वॉर अभी शुरू होने में टाइम है, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन और अभी लगेंगे वॉर को शुरू होने, एग्जैक्ट वॉर को शुरू होने में। तो अब तक वो तू तू मैं मैं वाला चल रहा है, तो अभी शब्दों की वॉर चल रही है, अभी तलवारों की वॉर बाकी है। तो बस उसी का एक सीक्वेंस है कि उसके यहाँ से एक दूत आता है, कुछ बोलने के लिए आता है, जिससे हम सब भड़क जाते हैं, और उसके आगे क्या होता है वो तो देखने में ही पता चलेगा। आपने पत्र जो आपको आया आपने ठुकरा दिया है, क्यों ठुकरा है उसके बारे में बताएंगे? क्योंकि हम राजपूत हैं, हम झुकना जानते ही नहीं, हम सर कटा लेंगे लेकिन झुकते नहीं हैं। ये मैं नहीं कहता, ये राजपूत धर्म जो है उसमें लिखा गया है, और बहुत कमाल की बात लिखी गई है एक्चुअली में, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे कई जो भी जिन्होंने बलिदान दिया उस समय, उन्होंने ये बात को माना, और उसकी वजह से हमें बहुत सब चीज़ें मिली भी, जो ऑन ए प्लेटर हमें सब चीज़ें मिली। लेकिन बहुत ही कमाल का और बहुत ही ऑफेंसिव थॉट है ये वाला, जो कि कमाल का है कि मतलब सर झुका झुकाएंगे नहीं, हम कटा लेंगे शायद। तो ऑब्वियसली तो ये उस चीज़ को मानते नहीं जो कि प्रस्ताव वो भेजता है। सर गर्मी चल रहा है, आपका कॉस्ट्यूम देख के लग रहा है आपका कोई मुश्किलें आ रही है आपको शूटिंग के दौरान? हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं शिमला में शूटिंग कर रहा हूँ, मतलब इतने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हैं मैंने, ऊपर से बख्तर वख्तर भी पहन रखा है, ऊपर से गर्म गर्म चाय भी पी रहा हूँ। लेकिन ठीक है, कहते हैं कि गर्मी मतलब लोहे को लोहा काटता है, तो इसलिए मैं गर्म गर्म चीज़ें ज़्यादा खाता रहता हूँ, क्योंकि सुना है कि चाय की तासीर ठंडी होती है, तो इस चक्कर में जितना भी ऐसा हो सके। लेकिन गर्मी है, मोटे कपड़े हैं, ऊपर से धूल है, मिट्टी है, पसीना है, ऊपर से वॉर है, ब्लड आ जाता है कई बार, तो वो सब चीज़ें मिक्स करके। लेकिन वॉर तो फिर ऐसी होगी, अब वॉर में और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम अंदर बैठ के सोफों के ऊपर वॉर तो कर नहीं सकते हम, तो जो भी है सब बाहर बाहर है। लेकिन लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, ये मुझे फीडबैक मिलती रहती है कि लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं जब भी वॉर सीक्वेंसेज आते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा ये डिफेंस ऑफेंस स्ट्रैटेजीज ये सब चीज़ें जो डिस्कशन में आती हैं वो बड़ा नई और बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं लोगों को। आपकी सेना के और अकबर की सेना के जो युद्ध चल रहे कब तक चलते रहेगा? मैं तो चाहता हूँ कि जिंदगी भर चलता रहे। ऑडियंस को काफी पसंद आ रहा ऑडियंस है। को पसंद आ रहा है, हम तो वही चाहते हैं कि जो ऑडियंस को पसंद आए वही हम करें, या जो हम करें वो ऑडियंस को पसंद आए, दोनों में से जो कुछ भी हो। वॉर हमेशा से महाराणा प्रताप का एक यूएसपी रहा है, क्योंकि ये पहले एपिसोड्स पहले मतलब पहले दिन से ही वो देखा जा रहा है कि जब भी एक यहाँ पे वॉर छिड़ी है, या यहाँ पे कुछ षड्यंत्र रचे गए हैं, या मतलब यहाँ पे सिंपल ड्रामा यहाँ पे कभी काम नहीं करता, यहाँ पे ओवर मतलब कभी इन सब चीज़ों वॉर सीक्वेंस या बैटल या एक दूसरे की पीठ में छुरी घोंपना या ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं हिस्टोरिकल्स में, इनमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अच्छा दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हुए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस देखते रहिए शो को, ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। 2 साल बीत गए हैं, तो इंशाल्लाह यही चाहेंगे कि 4 साल हो जाएं, 6 साल हो जाएं, लोगों को पसंद आता रहे, हम उतना अच्छा शो बनाते रहें जैसा आपको पसंद आए। तो शुरू से हमारी मेहनत उतनी रही है, उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश की है, तो बस देखते रहिए सोमवार से लेके गुरुवार तक रात को 10 बजे। Thank you.